हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज़ गार्डनिंग में। और दोस्तों, आज हम अपने गार्डन को शेयर कर रहे हैं और हमने क्या काम किया है आज वो शेयर कर रहे हैं। कैसा चल रहा है टेरिस गार्डन बारिश में, सभी चीज़ें देखिए आप लोग। और ये देखिए मेरा नीचे वाला गार्डन फ्लावरिंग हो रही है और प्लांट्स भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो और आप लोग देखिए दोस्तों, मैं आज मेरे करेले भी तैयार हो गए हैं। और ये देखिए साइप्रस वाइन में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और खूब अच्छे से ये फैल भी गई है, टिकोमा भी फैल गया है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, कल्चर वाइन की बास्केट मैंने यहाँ पे हैंग कर दी, अभी ऐसे गोलाई से हैंग होगी, अच्छी लगेगी। और ये मैंने देखिए बना लिए हैं और बना के इनको भी मैंने टांग दिया है प्लांटर्स, क्योंकि बीच में ये एक था, एक और मैंने बना लिया। ये आधा लीटर की, एक लीटर की है, बट दोनों ही मतलब ग्रीन ही हैं, बिना पेंट के भी टांग दिए हैं, अच्छी लग रही हैं। और ये इधर, और ये देखिए, ये मेरे पास बोटल्स रखी थी, इनमें अभी पाउच लाकर लगा दिया है विंटर्स में, इन्हीं में वो मैं पिटूनिया भी मैं लगा दूंगी, क्योंकि 2 लीटर की बोटल है, अच्छी खासी इसमें मिट्टी आती है, पिटूनिया की रूट्स जो हैं अच्छे से फैल जाएंगी। तो इस तरह से मैंने ये वाला काम किया है प्लांटर, ये सारे प्लांटर बना के मैंने ये पूरी वॉल जो है डेकोरेट वेस्ट मटेरियल से मैंने कर दी है। आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। और ये हवा में फिर लाते हुए हमारे प्लांटर, और देखिए इधर ये भी सारी कलियां अभी खिल जाएंगी फ्लावर के लिए। ये तुरई की बेल देखिए किस तरह से फैल गई है, ऊपर फूल भी आया है और स्टेम भी अच्छी ग्रोथ हो रही है, स्टेम भी मोटी सी है, अच्छे से ग्रोथ हो रही है। लेकिन वही है ना, अभी तुरई नहीं मुझे दिख रही है। और ये मेरे गुलदाउदी रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये इसमें भी अच्छे से पौधलाकर ग्रो होने लग गई है, ये अब फैलने लग गई है, फैल जाएगी तो पूरा अच्छे से फिल हो जाएगा। और ये देखिए लालसा का पेड़ भी खूब अच्छे से इधर उधर अपना फैलने लग गया है, ये बहुत फैलता है, अगर इसकी हम क्रीमिंग ना करें तो ये खूब अच्छे से अपनी ग्रोथ लेता है। करेले भी ये देखिए, ये कीड़े आ जाते हैं तो इन करेलों का क्या हाल हो जाता है। करेले भी मुझे हार्वेस्ट करने हैं, अब मैं तोल दूंगी क्योंकि ये भी तैयार हो गए हैं। ये देखिए करेले, और दो तीन करेले मैं पहले ही मैंने तोल दिए थे, क्योंकि वो वाले स्टार्टिंग के थे तो वो तैयार हो गए थे, और ये भी हो गए हैं तैयार, तो अब इनको तोल देंगे, नहीं तो बंदर आएंगे तो तोल के नुकसान ही कर देंगे। आज मैं इनको भी मैं कट कर लूँगी, अभी उधर हैं, या ये तीन यहाँ हैं, और 2-3 तो मैं पहले ही तोड़ चुकी हूँ, और अभी नए किले आएंगे तो फूल आएंगे। यहाँ पे कीड़े अब ऊपर भी आ गए हैं दोस्तों, कि कीड़े ने हमारे 2 करेले तो बेकार कर दिए, उन्हें छेद ही कर दिया। ये देखिए ऑरेंज कीड़ा बैठा हुआ है, ये देखिए दिख रहा होगा दोस्तों, ये ऐसे बहुत थे, कल भी मैंने मारे हैं और आज भी, ये अभी जो है रह गया है। ये देखिए ज़मीन पे मैंने ये सारे मार मार के, ये देखिए ये सारे, और पत्तों पे भी मैंने मार दिए हैं, क्योंकि ये देखिए किस तरह से इसकी पत्तियों को खा रहे हैं, ये देखिए हैं, इतना
इतना बढ़िया लौकी का पेड़ मेरा चल रहा है, लेकिन ये देखिए सारे प्लांट की क्या हालत कर दी है। 2 दिन में ये हालत हो गई है। अभी 2 दिन मेरे यहाँ बारिश हुई तो मैं छत पे नहीं आ पाई, और ये उसी में पता नहीं कहाँ से आ गए। और कल मैं जब छत पे आई तो मैंने देखा ये हालत है। अब मैंने जो है कल की कीड़े मारे, और मैंने लहसुन के छिलके भी मैंने भिगो दिए हैं कल ही। अब आज लहसुन के छिलका, नीम ऑयल, हल्दी और थोड़ी सी हींग और यही सब डाल के मैं आज मैं इस पर शाम को, क्योंकि छत पे तो धूप आ जाती है एकदम से, शाम को मैं आके इस पर मैं अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। ये देखिए एक और आ गया उल के, ये देखिए उलते हुए हैं कीड़े, ये देखिए उल रहे हैं, उलता हुआ कीड़ा है। तो इस तरह से मैं स्प्रे हमें करना है दोस्तों। और आप लोगों को हमारा गार्डन, हमारी शेयरिंग, हमारे प्लांटर अच्छे लगे हों तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और ये देखिए आलमंडा भी अब अच्छा हो गया, जो मेरा आलमंडा बिल्कुल बेकार हो गया था, लीव्स इसमें बिल्कुल नहीं रह गई थी। और जब वो सारे प्लांट निकाल के इसमें खाद और मिट्टी सब मैंने डाल दिया तो देखिए अब कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो गई और कलियां भी आने लग गई हैं। अब इसमें भी खूब अच्छी सी फ्लावरिंग होगी, क्योंकि आलमंडा में तो वैसे भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।